सके, उनको जो है ठंड की पीड़ा ना झेलनी पड़े, तो इसलिए होता है। अब सरकार कह रही है कि कोरोना की महामारी में स्कूल नहीं खुल पाए, अरे उस समय थोड़ी ठंड थी, ठंड तो आ रही है, तो अब वो शीतकालीन अवकाश को जो है समाप्त करने का काम कर रही है। तो सरकार तो विवेक तो है नहीं, सरकार में विवेकहीन सरकार है, इसलिए इस तरीके का निर्णय सरकार ने लिया है, जिसका शिक्षक जो है विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम शिक्षकों की इस मांग को जायज मान, मैं वही कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी तो शिक्षा मंत्री है, सुहान अल्लाह है, उनको विचारों को कुछ पता ही नहीं रहता उनके शिक्षा मंत्रालय में हो क्या रहा है। अब वो कह रहे मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, अरे आपको तो बात कर लेनी चाहिए थी, पहले तो शिक्षा मंत्री को स्वयं निर्णय लेना चाहिए था, ये कोई कैबिनेट का फैसला थोड़ी है जिस फैसले को उलटने के लिए फिर कैबिनेट में जाना है, ये तो मंत्री के स्तर का मामला है। लेकिन अगर इतनी भी स्वतंत्रता इस सरकार में मंत्रियों को नहीं है, तो अगर मुख्यमंत्री से बात करनी थी तो शिक्षा मंत्री को पहले बात करनी चाहिए थी कि जो शीतकालीन सत्र है या शीतकालीन में जो छुट्टियां होती है उसको जो है यथावत रखा जाए। कुछ पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्रीगण कुछ कहते हैं, और उसका कुप्रभाव जो है प्रदेश पर पड़ता है, और शिक्षकों की मांग उचित है।